तो गर्मा मौसम में अगर हम भिंडी की खेती की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो उन्नत किस्में हैं जो अलग अलग हमारे संस्थानों द्वारा, अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई हैं, जिसमें भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बंगलौर में जो स्थित है उसके द्वारा अर्का अनामिका, अर्का अभय, ये दोनों ही संकर किस्में हैं और अच्छी उपज देने वाली किस्में हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भिंडी में एक विषाणु जनित बीमारी जो लगती है, येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसके लिए ये दोनों ही प्रजातियां टॉलरेंट पाई गई हैं जो किसानों के खेत में जब उनके ऊपर अनुसंधान किया गया उस समय। इसके अलावा अगर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में स्थित है, इसके द्वारा भी जो काशी मंगली, काशी सद्धारी, काशी वरदान, इन उन्नत किस्मों का विकास किया गया है, इनका चुनाव करके किसान भाई हमारे अच्छी उपज और अच्छी आमदनी भिंडी खेती से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों ऐसी भूमि का चुनाव करना चाहिए जहां जल जमाव की स्थिति न आने पाए। और जब हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो उस समय हमें उसमें जल निकास का भी उत्तम प्रबंध करना चाहिए। अगर हम खेत की तैयारी की बात करते हैं तो 2 से 3 जुताइयां करके हम पाटा लगा के खेत को समतल बना लेते हैं। और एक बात किसान भाइयों विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यहाँ की जो अधिकतर जमीन है, मृदा है, वो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो इसके लिए हमें चूने का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, जिसकी दर होती है 1 से 1.25 किलोग्राम प्रति डिसमिल की दर से हमें चूने का प्रयोग करना चाहिए, जो कि अम्लीय मृदा के सुधारक के रूप में काम करता है। अब इसके अलावा जब हम खेत की अंतिम जुताई कर रहे होते हैं तो उस समय हमें सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों ये अवश्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि जो भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूर्णतया सड़ी हुई होनी चाहिए, अन्यथा कच्चे गोबर का इस्तेमाल करने से दीमक का प्रकोप बढ़ सकता है ज़मीन के अंदर। और बहुत सारी हमारी सब्जी फसलें होती हैं जिसमें भिंडी भी एक है, जो कि मृदा जनित बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना उसमें होती है, तो इसके नियंत्रण के क्रम में हम जो भी हमारी खाद का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्राइकोडर्मा विरिडी या हरजीएनम से हम उपचारित कर लेते हैं, तो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को हम 100 किलो खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी उपचारित खाद का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो भूमि में मिलाने के लिए तो हमारी बहुत सारी मृदा जनित बीमारियां होती हैं जिनका हम नियंत्रण प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। जब आप बुआई कर रहे हैं तो भिंडी की सीधी बुआई की जाती है खेत में हमारे, तो इसके लिए सबसे पहले चूंकि अच्छा अंकुरण की जरूरी होता है और गर्मा के मौसम में मृदा नमी में थोड़ी सी कमी पाई जाती है, तो इसके लिए जो बीज हैं बीजों को आप कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए भिगो दें और उसके बाद इसका उपचार अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी जो हमारे बीज में जो बीमारियों का प्रकोप होता है उससे नियंत्रण के लिए हमें बीज उपचार अवश्य करना चाहिए। उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा का उपचार कर सकते हैं जो कि एक जैविक विधि होती है, और इसके अलावा हम रासायनिक विधि के अंतर्गत कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी किसान भाई ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं बीजों को, और कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका उपचार हम कर सकते हैं। किसान भाइयों जब भी हम बीज की उपचार के बाद इसकी बुआई करते हैं तो गर्मा मौसम में जो पौधों की बढ़वार होती है वो खरीफ मौसम की तुलना में कम होती है, इसलिए इसकी दूरी भी हमें कम रखनी होती है और जो बीज दर होती है वो ज़्यादा लगती है। तो अगर हम बीज दर की बात करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से पर्याप्त होता है, लेकिन वहीं अगर हम बीज की बुआई की दूरी की बात करते हैं तो कतार से कतार या लाइन से लाइन हम 45 सेंटीमीटर की दूरी मेंटेन करते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी गर्मा मौसम के लिए पर्याप्त होती है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की, तो जब हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय में जो मृदा में नमी है वो पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे हमारे जो बीजों का अंकुरण है वो प्रभावित ना होने पाए। किसान भाइयों किसी भी सब्जी फसल में या किसी भी फसल में उचित पोषण प्रबंधन ज़रूरी होता है, तो अगर हम भिंडी की खेती की बात करते हैं तो जैसा हमने बताया कि खेत की तैयारी के समय हमें 80 से 100 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, और उसी समय हमें इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का भी प्रयोग करना होता है। तो नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नाइट्रोजन का प्रयोग हमें करना होता है, फास्फोरस का 20 से 25 किलोग्राम, और पोटाश की अगर हम बात करते हैं तो इसका भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको प्रयोग करना होता है, यानी कि बुआई के लगभग लगभग 25 से 30 दिन बाद उस समय हमें उसमें पौधों के पास में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना होता है और उसके बाद हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं कीट और रोगों के प्रबंधन की, तो मुख्य रूप से जो सबसे खतरनाक इसमें एक बीमारी लगती है वो आती है येलो वेन मोज़ेक वायरस, इससे हमारी भिंडी की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और इसके नियंत्रण के लिए हमको सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना होता है, जिसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1 ml 3 लीटर पानी में घोल के हमें छिड़काव करने की आवश्यकता होती है।